आज का विचार है प्रिय दोस्तों कि दो व्यक्तियों में मित्रता तभी होती है जब उनका परस्पर स्वभाव या आदतें मिलती होती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, बच्चे की बच्चे के साथ दोस्ती, बूढ़े की बूढ़े के साथ दोस्ती, डॉक्टर की डॉक्टर के साथ दोस्ती, चोर की चोर के साथ दोस्ती तथा साधु की साधु के साथ दोस्ती। प्रिय दोस्तों, इस सृष्टि में स्वभाव एक महत्वपूर्ण आयाम है जो एक की दूसरे के साथ दोस्ती करवाती है। इसलिए आज मेरी यह सलाह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें उसकी आदतों पर गौर करना चाहिए। उसकी आदतों का बड़े ध्यान से अध्ययन करना चाहिए और फिर वही आदतें धारण कर लेनी चाहिए, दोस्ती अनानास हो जाएगी। प्रिय दोस्तों, अगर सारी आदतें नहीं तो उसकी एक खास आदत आपकी दोस्ती का कारण बन सकती है। ऐसा ही कुछ आज मैं आपको सुजेस्ट करने वाला हूँ कि अगर आप उस परम ऊर्जा, उस परमात्मा, उस भगवान से दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें उसकी एक विशेष आदत पर गौर करना होगा। भगवान की सबसे खूबसूरत आदत है देना। भगवान हर वक्त देने की अवस्था में रहता है, बिना किसी इच्छा के देता है, बिना किसी उपेक्षा के देता है। भगवान ने हमें इतना बड़ा आसमान दिया है, धरती दी है, सूर्य दिया है, हवा दी है, पानी दिया है, पेड़ दिए हैं, पौधे दिए हैं तथा हमें अनमोल जन्म दिया है। और प्रिय दोस्तों, वो लगातार देता जा रहा है, देता जा रहा है और हमसे कोई बदले में इच्छा भी नहीं रखता। आज मेरी सलाह है प्रिय दोस्तों कि भगवान की इस आदत को हमें पकड़ना होगा। देते तो हम भी हैं लेकिन अनेक उपेक्षाओं के साथ देते हैं। प्रिय बंधुओं, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा कि आपने किसी को अपना पैसा देना है। पैसे के अलावा आपके पास बहुत कुछ है जो आप दूसरों को दे सकते हो, अपना प्यार, करुणा, मुद्दता दे सकते हो। किसी को आप अपना आशीर्वाद दे सकते हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हो, मंगल कामना दे सकते हो। और नहीं तो कुछ आप सड़क पर या रास्ते पर किसी को रास्ता दे सकते हो। जैसे ही भगवान देखेगा कि आप देने की अवस्था में आ गए हो तो वो प्रिय दोस्तों अपने आप आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। एक कदम आप आगे बढ़ोगे, दो कदम भगवान आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो भी दोस्तों के बगैर रह नहीं सकता। उसको भी हर वक्त अपने जैसे दोस्तों की तलाश रहती है। यह सृष्टि जो उसने रची है वो उसको आप जैसे दोस्तों के साथ और भी खूबसूरत देखना चाहता है। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़ें
भगवान की देने की अवस्था की आदत को धारण कर लें और एक नई दोस्ती का आगाज करें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो। आज मेरी परमात्मा के आगे यह प्रार्थना है।